सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग कैमरा कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A7 2018। ये जो नया फोन निकला है एक वीक पहले ही, जो कि सैमसंग ने काफी सारा एडवर्टाइजमेंट किया था कि लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और ये फर्स्ट ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन है जो आपको मिड रेंज में मिलता है। और ये 24,000 इसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अगर आप HDFC का कैशबैक अप्लाई करोगे तो ये आपको 22,000 में मिल जाएगा। और सेकेंड जो फोन है वो पोको F1 है, जो आपको 20,000 में ये फोन मिल जाता है बेस वेरियंट, और इसमें स्नैपड्रैगन 845 मिलता है और फ्लैगशिप सभी स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, 664 मिल जाता है स्टोरेज और रैम, और 4000 की बैटरी मिल जाती है। तो इन दोनों के बीच में आज हम लोग कैमरा कंपैरिजन करेंगे। हालांकि कैमरा कंपैरिजन का वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है, आप सभी को पता है, उसका एडिटिंग में लगभग 3 से 4 घंटा निकल जाता है, कम से कम 3 घंटा तो उसको एडिटिंग में लगता ही है कैमरा कंपैरिजन के वीडियो में, और शूटिंग के लिए जो टाइम लगता है वो अलग चीज़ है। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं सैमसंग गैलेक्सी A7 का ZenFone के साथ और OnePlus 6 के साथ अगर कंपेयर करना चाहोगे तो फिर कर सकूंगा, और Nokia 7 Plus भी है। और आज के वीडियो में आप मुझे बताना कि आपको कौन सा कैमरा बेटर लगता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे तो पहले स्टार्ट करते हैं डे लाइट कंडीशन से, और ये पोको F1 की फोटो है डे लाइट कंडीशन में, और ये गैलेक्सी A7 की है, और आप देख सकते हो कि इसमें सैचुरेशन लेवल कम है, वाइट बैलेंस प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है, और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो अभी गैलेक्सी A7 की नेचुरल फोटो लगती है और पोको F1 में थोड़ा सैचुरेशन है, और जूम करने के बाद आप देख सकते हो गैलेक्सी A7 में थोड़ी डिटेल्स बेटर है एज कम्पेयर टू पोको। बेसिकली पोको F1 की तस्वीरें थोड़ी सैचुरेट रहती है डे लाइट कंडीशन में, हमने पहले भी देखी हुई है, और ये गैलेक्सी A7 की थोड़ी नेचुरल कलर्स में लगती है, और किसी किसी को अभी ये पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि किसी को पोको F1 बेटर लगेगा, किसी को गैलेक्सी A7 बेटर लगेगा। ये पोको F1 के कलर्स काफ़ी पंची कलर्स हैं, वाइब्रेटिंग कलर्स हैं, तो आँखों के लिए अच्छे लगते हैं, और ये गैलेक्सी A7 की और एक तस्वीर है जो कि नेचुरल कलर्स रिप्रोड्यूस कर रही है। और अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे पर्सनली गैलेक्सी A7 थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू पोको। इस फोटो में भी आपको गैलेक्सी A7 में थोड़ा एक्सपोजर लेवल बेटर लगेगा, ब्राइटनेस बेटर लगेगा, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोन के साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी। इस पर्टिकुलर फोटो में मुझे पर्सनली पोको F1 बेटर लगा, क्योंकि गैलेक्सी A7 की फ़ोटो में आपको एक्सपोजर लेवल बेटर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वार्म इफेक्ट आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि पोको F1 बेटर लगता है या गैलेक्सी A7। अभी इस पोको F1 के फ़ोटो में डेफिनेटली सैचुरेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और आप देख सकते हो गैलेक्सी A7 की फ़ोटो काफ़ी नेचुरल है, ग्रास के डिटेल्स और कलर्स काफ़ी नेचुरल है, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद पर्सनली मैं तो गैलेक्सी A7 को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि उसके कलर्स काफ़ी नेचुरल्स हैं। इस फोटो में भी काफ़ी सैचुरेशन है पोको F1 की फ़ोटो में, विविड कलर्स है बेसिकली, और ये नेचुरल कलर है गैलेक्सी A7 के। और ये साइड बाय साइड कंपेयर है, और मैं एनी टाइम गैलेक्सी A7 को इस पर्टिकुलर फोटो में प्रीफर करूँगा। अब ये एक पोको F1 की फ़ोटो है, और ये गैलेक्सी A7 की फ़ोटो है, और इस ये फ़ोटो काफ़ी शार्प दिखती है, कलर्स भी काफ़ी पंची दिख रहा है इस फोटो में, और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे पर्सनली गैलेक्सी A7 इस फोटो में भी बेटर लगा। इस फोटो में भी आप देख सकते हो पोको F1 काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, और ये गैलेक्सी A7 की है, इसमें एक्सपोजर लेवल थोड़ा ज़्यादा है और कलर्स नेचुरल कलर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो पर्सनली मुझे गैलेक्सी A7 बेटर लगा, क्योंकि ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है। तो बेसिकली हमने पहले भी देखा था पोको F1 की फ़ोटोज़ में थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल आ जाता है, जबकि गैलेक्सी A7 थोड़े नेचुरल कलर्स रिप्रोड्यूस करता है और वाइट बैलेंस प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है। अभी हम लोग सेल्फी की बात करते हैं, और ये पोको F1 की सेल्फी है, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में डिटेल्स बेटर है,
और ये गैलेक्सी A7 की है और इसमें बैकग्राउंड में डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं है। और मैं साइड बाई साइड कंपेयर करता तो मुझे पोको F1 बेटर लगा फ्रंट फेसिंग कैमरा में। ये भी एक और एक सेल्फी फ़ोटो है पोको F1 की और ये गैलेक्सी A7 की है। गैलेक्सी A7 की फ़ोटो मुझे ऑनर के फ़ोन्स को जैसे लगती है वाइट बैलेंस में, और ये साइड बाई साइड कंपेयर में मुझे पोको F1 बेटर लगा इस पर्टिकुलर फ़ोटो में भी। और ये फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट मोड है, तो बेसिकली सेल्फी कैमरे के लिए मुझे पोको F1 में चूज़ करूँगा। और ये बैक कैमरा का एक पोर्ट्रेट मोड है, हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिला एलोबरेट करने के लिए, लेकिन इसमें भी गैलेक्सी A7 थोड़ा डार्क मोड पे चला जाता है। मैं ज़ेनफोन 5G के टाइम आउटडोर में पोर्ट्रेट मोड शॉट्स ट्राई करूँगा बैक कैमरा में। अब ये लो लाइट की फ़ोटो है पोको F1 और ये गैलेक्सी A7 की लो लाइट की फ़ोटो है। पोको F1 से थोड़ी शार्प दिख रही है ये फ़ोटो, और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन A7 थोड़ा शार्प है। अभी इस पर्टिकुलर फोटो में आप बैकग्राउंड में देखोगे गैलेक्सी A7 प्रॉपरली एक्सपोज नहीं हो चुका है HDR कैपेबिलिटी, और ये फ़ोटो में गैलेक्सी A7 शार्पनेस ज़्यादा बेटर है। अभी इस फोटो में थोड़ा पोको F1 ब्लर इफेक्ट दे रहा है और ये गैलेक्सी A7 थोड़ा शार्प इफेक्ट दे रहा है। मे बी ड्यू टू 24 मेगापिक्सल कैमरा की वजह से हो सकता है गैलेक्सी A7 थोड़ा शार्प इफेक्ट दे रहा है सभी फोटोज में। भी इन फोटो में भी साइड बाय साइड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोन्स में, और ये फोटो में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी इस पर्टिकुलर फोटो में पोको F1 आप देख सकते हो ग्रीन कलर फिर से काफ़ी पंची हो गया, और इसमें गैलेक्सी A7 में नेचुरल प्रोड्यूस कर रहा है। और ये साइड बाय साइड कंपैरिजन है। अभी इस फोटो में गैलेक्सी A7 थोड़ा शार्प दिखेगा एज कम्पेयर टू पोको, और साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो फिर गैलेक्सी A7 स्लाइटली शार्प है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर फोटो में पोको F1 थोड़ा बेटर लगा, तो बेसिकली लो लाइट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पोको F1 और गैलेक्सी A7 के बीच में, एक्सेप्ट कुछ कुछ फोटोज़ जिधर गैलेक्सी A7 का शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा है। ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल के कैमरे की वजह से हमको शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा लगता है गैलेक्सी A7 की फ़ोटोज़ में। और इस पर्टिकुलर फोटो में भी आप देख सकते हो गैलेक्सी A7 का एक्सपोजर लेवल थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पोको। और ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल का फ़ोटो कंपेयर करने के लिए मैंने खींचा था, A7 का ही ये फ़ोटो है, और ये ट्रिपल कैमरा का थर्ड कैमरा का अल्ट्रा वाइड एंगल का एक फ़ोटो है कि कितना ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। अभी हम लोग देखते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा वीडियो फुटेज 1080p 30fps। और इसमें मुझे एक्चुअली जो टी शर्ट का कलर है वो गैलेक्सी A7 में प्रॉपरली दिखा रहा है, लेकिन जो फेस के डिटेल्स है और बैकग्राउंड डिटेल्स है वो पोको F1 में थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं। और ये बैक कैमरा का वीडियो फुटेज है 1080p 30fps, और दोनों ही फुटेज में EIS हमको मिल जाता है और वो प्रॉपरली वर्क भी करता है, स्टेबल फुटेज है, और दोनों ही फुटेज में एक्सपोजर लेवल भी बराबर से एडजस्ट किया हुआ है, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वीडियो कंपैरिजन में। तो ओवरऑल मैं अगर सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो डे लाइट कंडीशंस में मुझे काफ़ी जगह पे गैलेक्सी A7 के फ़ोटोज़ बेटर लगे, लो लाइट में भी काफ़ी जगह पे गैलेक्सी A7 बेटर हो रहा है, लेकिन पोको F1 भी कोई कोई जगह पे और फ्रंट फेसिंग कैमरा में स्पेशली बेटर है। तो
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म लगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।